आप यहाँ? जो शख्स अस्पताल में जख्मी लाया जाए सबसे पहले उसकी फैमिली को ही इन्फॉर्म किया जाता है, और बदकिस्मती से मैं आपकी फैमिली हूं। एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट। शुक्र करें जान बच गई। आप घर जाएं। चली जाऊंगी, मुझे भी शौक नहीं है। रिश्तों में हक और फर्ज को आप मानते नहीं हैं, ये एहसान नहीं हमदर्दी है। जैसे किसी को तकलीफ में देखकर हमदर्दी जाग जाए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं आप थक गई होंगी, जब जब आंख खोली आपको यहां देखा। मैं कितनी देर बेहोश रहा हूं? नहीं, आप करवट नहीं ले सकते। क्या जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हैं? नहीं, जान बच गई है, और जो चोटें और जख्म लगे हैं वो ठीक हो जाएंगे। फहद आया था। जाहिर सी बात है, आपका बेस्ट फ्रेंड है और एक ही है। आपको पता है आपके फोन में सबसे ज्यादा डायल होने वाला नंबर किसका है? फहद का। फहद, आपको सब पता है उसके बारे में? क्योंकि वो आपका दोस्त है, जिस शख्स को बार बार दिन में कई बार फोन करते हैं आप, जिससे हर बात शेयर करते हैं, उसी पे भरोसा नहीं है? मुझे शायद लोगों की पहचान नहीं है। लोग? आपको तो दोस्तों और दुश्मनों की पहचान नहीं, आप नहीं कर सकते। आयशा, ये मेरी लोअर बॉडी को ऊपर कर रहा है। मैं कर रही हूं। आप किसी को बुला लें प्लीज। मैं कर रही हूं। मैं खुद खा लूंगा। आप नहीं कर सकते, मुझे पता है आपको आदत नहीं है, लेकिन इस वक्त मजबूरी है। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरी वजह से परेशान हो। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके लिए कोई परेशान हो, उस परेशानी में भी परवाह होती है। बानो आई थी, ऑफिस गई है वो। उसने कहा था अगर कोई काम है तो उसे फोन करके बताया जा सकता है। डॉक्टर क्या कह रहा है, कितने दिन लगेंगे रिकवर होते? वक्त लगेगा, फ्रैक्चर हुआ है बाजू में, वैसे भी छोटे हैं काफी। तो मैं नर्स को बुलाती हूँ आपकी पट्टी चेंज करने। मैं ना कुछ
कुछ बोली सही।